घंटे की आधार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अनुभव है ये भेजने वाले हमारे शिष्य ही हैं, यानी कि इनको पहले जो है जो अनुभव हुए थे अपनी जिंदगी में उसके संबंध में ये बताना चाहते हैं और वर्तमान समय में इन्होंने दीक्षा भी ली हुई है। तो चलिए जानते हैं कि इनके जीवन में क्या अनुभव पहले घटित हुए थे और यह क्या उसके संबंध में और जानना चाहते हैं। चरण स्पर्श गुरुजी, गुरुजी मैं आपको अपनी कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मेरे साथ घटित हुई थी। गुरुजी मैंने आईटीआई का कोर्स किया हुआ है। गुरुदेव, आईटीआई का कोर्स करने के एक साल बाद मैंने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया जहां मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था। गुरुजी, आईटीआई का कोर्स के कारण मुझे 3 सेमेस्टर में एडमिशन मिला था। गुरुजी, 3rd सेमेस्टर का पेपर देने के बाद मैं छुट्टियां काटने अपनी मासी के घर गया हुआ था। जहां मेरी मासी रहती हैं वो गांव बहुत बड़ा है लेकिन घर बहुत ही कम है। गुरुजी, मैं मासी के घर से वापस आने के थोड़े दिन बाद 4th सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म भर दिए और कॉलेज जाने के लिए 1 हफ्ते बाद ही मैंने रात को उस वक्त सपना देखा। गुरुजी, उस सपने में मुझे एक औरत दिखाई दी जो पूरी तरह से नग्न थी। वह बोली, मेरे साथ संभव करो। गुरुजी, मैंने उसे मना कर दिया तो गुरुजी वो सपने में बहुत ही गुस्से से बोली, अगर तू मेरे साथ संभोग नहीं करेगा तेरे साथ जबरदस्ती मैं करूंगी। गुरुजी, उसने मेरे साथ संभोग किया और मेरा वीर भी स्खलित हो गया। ऐसा 4 दिन बाद होता रहा। वो 4 दिन सपने में आई और जबरदस्ती संभोग करती और मेरा वीर स्खलित हो जाता। ऐसे गुरुजी 2 महीने तक लगातार चला। गुरुजी, मेरा शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। डॉक्टर को दिखाया, उसने टेस्ट भी किया लेकिन टेस्ट भी नॉर्मल ही आए। गुरुजी, और दवाई भी असर नहीं कर रही थी। गुरुजी, मेरे सपने में वह बोली, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। गुरुजी, फिर मेरी माँ ने नानी से बात की। उन्होंने मुझे और मेरी माँ और मेरे भाई को बुला लिया। गुरुजी, मेरी नानी के एक बाबा के पास लेके मुझे गई। उन्होंने बोला कि आपके बेटे के पीछे एक बहुत ही गंदी जोगनी लगी हुई है, वही सपने में आकर के इसके साथ संभोग करती है, इसका शरीर कमजोर कर रही है। गुरुजी, उन बाबा ने बोला कि 5,000 रुपये लगेगा, आपका लड़का ठीक हो जाएगा, और मेरी माँ से पैसे उन्होंने ले लिए। गुरुजी, उन बाबा ने मुझे 4 पेपर दिए। उन पेपर्स पे पता नहीं कौन सी भाषा लिखी हुई थी जो कि मेरी समझ से परे थी। बाबा ने बोला कि इन पेपर को कोयले पे जाकर धुनी लेनी है और गुरुजी वैसा ही किया। गुरुजी, थोड़े ही दिन बाद मुझे फर्क पड़ गया। वो नग्न औरत मेरे सपने में आई और गुरुजी इस चक्कर में मेरे कॉलेज के 4 सेमेस्टर के पेपर आ गए थे और गुरुजी मैं पठानकोट से अमृतसर अपने कॉलेज पेपर देने आया था। तो गुरुजी, जैसे मैं ठीक हुआ अपनी माँ और भाई के साथ फिर घर आ गया। गुरुजी, जैसे ही मैंने 5th सेमेस्टर के एडमिशन ली फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। गुरुजी फिर उन बाबा के पास गए और फिर उन्होंने पैसे लिए लेकिन गुरुजी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, अब तो मैं बेहोश भी होने लगा था। मुझे कोई होश नहीं रहती कि मैं कहाँ गिर रहा हूँ, पता ही नहीं चलता था। मेरी फैमिली वाले फिर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद बेहोश होने की वजह से यह कमजोरी ही होती है,
जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने MRI का टेस्ट भी करवाया, दो टेस्ट और करवाए गए। जब रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई तो फिर फैमिली वालों ने बाबाओं को दिखाना शुरू किया, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा गुरुजी। लेकिन उन बाबाओं के चक्कर में पैसा बहुत खराब हो गया। मेरी माँ के चाचा जी के एक लड़के ने बोला, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मुझे वहाँ लेके चले गए गुरुदेव। उनको माँ काली की सवारी आती थी गुरुजी। उन बाबा ने बोला, ठीक है ये सही हो जाएगा। ये गुरुजी उन्होंने कुछ सामान लिखवाया जिसमें काले कपड़े, सिंदूर, चूड़ियाँ और कुछ थोड़ा सामान था। गुरुजी उन्होंने मेरा कुछ मंत्रों से उतारा किया। जो सामान उन्होंने मंगवाया था उस सामान पे उन्होंने थोड़ी क्रिया भी की और बोले कि तुम इस सामान को किसी नहर में छोड़ के आ जाना, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। गुरुजी उसके बाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मेरा शरीर कमजोर ही रहा। गुरुजी मैं 5th semester भी इसी चक्कर में नहीं जा पाया, बस पेपर ही दिए थे डायरेक्ट। गुरुजी जब मैं 6th semester में एडमिशन लेने वाला था तो 3 महीने बाद अचानक से मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। गुरुजी इस बार तो बहुत बुरी हालत थी, मैं बिना वजह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता था, मेरा रैंक भी गिर गया, चल फिर भी नहीं पा रहा था। ऐसी हालत हो गई थी जैसे मेरी टांगों में जान ही नहीं है। मेरी माँ ने अपने चाचा के लड़के से बात की, जो कि मेरे मामा लगते थे, उनसे बात की और उन बाबा के पास जाने के लिए गुरुजी मुझे तैयार किया गया। उन्होंने मेरे मंत्रों से 4 बार फाड़ा किया और गुरुजी मुझे फर्क पड़ गया। उन्होंने मेरे ऊपर किसी कुल देवता की सवारी आई। गुरुजी उन्होंने मुझे अपने मंदिर में बैठने के लिए बोला। उन्होंने कहा, तुझे दिया लगाना है और अपने कुल देवता को याद करना है। गुरुदेव जैसे ही मैंने अपने कुल देवता को याद किया, मेरे सर एकदम भारी हो गया। गुरुदेव इतना मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मेरे, और माँ ने बताया कि बाबा ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों पकड़ रहे हो इस बच्चे को। उन्होंने कहा, मैं इनका कुल देवता हूँ। उन्होंने ये भी मुझे बताया कि क्या मैं बोलना चाह रहा था, मुझे जो भी था वह मैं भूल चुका था, मुझे बातें भी यही याद थी। तब उन बाबा ने पूछा कि आप कहाँ से हो, आपका जन्म स्थान कौन सा है। उन्होंने सब बताया था। जब हमने वहाँ के पंडित से बात की, वो बोले ये 7 हैं, कुल देवता ने बोला। लेकिन गुरु ने उन बाबा ने बोला कि कभी कुछ इंसान वैसे ही सहलाते रहते हैं कि हम ये हैं, इससे बात करके देखते हुए उन्होंने फिर बहुत परीक्षा ली, तब पता चला कि यही हमारे कुल देवता ही हैं, यानी जो अभी तक बात कर रहे थे। गुरुजी वो मेरे गुरु भी थे, उन्होंने मेरे घर में कुल देवता की स्थापना भी करवाई। गुरुजी उन्होंने मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। गुरुजी 4 साल तक ऐसे ही चलता रहा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे फैमिली बोलते कि कैसे गुरु हैं, कुछ बताते ही नहीं, लेकिन गुरुजी कोई मार्गदर्शन नहीं करते थे। सीधी बात, उनका पैसों से लालच बढ़ता ही चला जा रहा था, इसलिए गुरुजी उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा हुआ गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे कि जो मुझे आप जैसा इतना प्यारा गुरु मिला है, जो कि पथ पथ पे मार्गदर्शन करता रहता है। गुरुजी आप जैसा इतना पुण्य गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी मुझे मेरे कुल देवता की सवारी आती है, मेरे कुल देवता का नाम काली वीर कुल देवता जी है। गुरुजी घर में कोई संकट आना हो तो मुझे पहले ही पता चल जाता है, पर मेरा शरीर को कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, घर में कोई पैसा रहता ही नहीं। गुरुजी मेरी माँ भी बहुत परेशान है, घर का काम भी रुक गया है 10 साल से। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मेरी फैमिली वाले बोलते हैं, अगर कुल देवता की शक्ति घर में है, कोई चमत्कार दिखाए।
घर के रुके हुए काम चले। मुझे ठीक रखने के लिए गुरुजी आज फिर न्यू जॉब को पहला दिन था और जैसे ही काम से मैं घर लौटा बीमार हो गया। गुरुदेव गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। जॉब मिलती नहीं, अगर मिलती है तो बीमार हो जाता हूं। जो भी पैसा डैडी का भाई का कमाता हूं जॉब से, उन पैसों से कोई बचत नहीं होती। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या करूं। गुरुदेव मेरे कुछ प्रश्न भी हैं। गुरुदेव वो औरत कौन थी जो मेरे सपने में आती थी नग्न होके, और गुरुजी मेरा डिप्लोमा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। गुरुजी ये बीमार होने की वजह क्या है? जब भी न्यू जॉब पे जाता हूँ बीमार हो जाता हूँ। गुरुदेव घर में पैसे की कोई बचत क्यों नहीं होती है, कारण बताइए। गुरुदेव मुझे कुल देवता की सवारी आती है फिर भी इतनी दिक्कत घर में क्यों है? गुरुदेव मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूँ, आप ही मेरे भगवान हैं गुरुदेव, और आप ही मेरे इष्ट देवता हैं। मैंने अपनी जिंदगी अपने गुरुदेव के नाम ही कर दी है। अब जिंदगी में सब कुछ मेरे गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, माँ पराशक्ति, जय माँ पराशक्ति। तो देखिए यहाँ पर दो तीन बातें निकल के आती हैं। पहली, नग्न स्त्री का प्राप्त होना। देखिए कोई शक्तियाँ जब ऊर्जा चुराने के लिए उन्हें अच्छा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो फिर वो उसकी ऊर्जा उसके वीर क्षरण के माध्यम से उसके साथ संबंध बनाकर चुरा लेती हैं। कभी कभी ऐसा पूर्व जन्मों के आधार पर भी होता है, जब पूर्व जन्मों में हमने कोई साधना की हो उसमें हमें सिद्धि ना मिली हो और उसके बाद वो साधना यूं ही छोड़ दी गई हो और वह निम्न स्तर की कोई साधना, ऐसी कोई साधना की वजह से आपका यह जन्म बिगड़ा हुआ चल रहा है। उस बाबा ने आपके ऊपर से उसको हटाने की कोशिश तो की, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं इसलिए पूरी तरह से शक्तियों को नहीं हटाते हैं। इसकी वजह से बार बार उनके पास व्यक्ति जाता है और उन्हें बार बार पैसा देता रहता है, यही इसका मूल कारण भी होता है, इसीलिए आपकी समस्या पूरी तरह से नहीं गई। दूसरी बात, इसी कारण से आपके अंदर कुल देवता का जो असर आता है वो इसी वजह से आता है। पहली बात, आप कुल देवता की पूजा करना शुरू कीजिए। गुरु मंत्र का जाप जो है आप लगातार जारी रखिए और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए अब हवन अवश्य रूप से करिए। हवन से पहले संकल्प लेते हुए माता लक्ष्मी से ये कहिए कि माता मैं आपकी प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए इस गुरु मंत्र के हवन को कर रहा हूं, इसलिए कृपया मेरी मदद कीजिए और हमारी आर्थिक स्थिति को अच्छा कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर अपना जो है जल नीचे गिरा दीजिए और इस प्रकार उसको हवन को कीजिए। ध्यान माँ के लक्ष्मी स्वरूप का कीजिए, इससे आपके आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। और हवन घर में शुद्ध घी से कीजिए। इसके अलावा जो भी शक्तियां आपके ऊपर से हैं वो उनको हटाने के लिए माता से प्रार्थना कीजिए कि गुरु मंत्र की शक्ति से अब आपके अंदर ऐसा कवच निर्मित हो जिसके कारण से अब आपके ऊपर इन शक्तियों का कोई भी असर ना रह जाए। प्रारब्ध के जितने भी बुरे कर्म हैं वह सब माता काट दो और इस प्रकार से आप रोज जो गुरु मंत्र का जाप करना होता है उसे करिए और उससे पहले इस प्रकार से संकल्प लीजिए। तो इससे जो है आपके ऊपर जो बुरी चीजों का असर है या बुरी शक्तियों का जो प्रभाव है जो पूर्व जन्मों के कारण आपके ऊपर आया है वह समाप्त हो जाएगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपके आर्थिक कारण आपके बनने लगेंगे जिससे आपको पैसा रुपया की प्राप्ति हो सके, और अगर आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से सारे कर्म सिद्ध होंगे। और सबके साथ ऐसा होता है जब वो पूरा विश्वास रखते हैं। समय आपके प्रारब्ध के हिसाब से ज्यादा या कम हो सकता है और सबके साथ ऐसा ही होता है, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए और विश्वास रख के अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपका जीवन निश्चित रूप से सुधरेगा और सारी परेशानियां दूर होकर धन संपदा आने के मार्ग भी खुलेंगे।
तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।